ड्रिंक करके कपिल शर्मा पहुंच गए शाहरुख खान के घर। वाला आखिरकार इसके बाद शाहरुख खान ने क्या किया कपिल शर्मा के साथ, क्या है पूरी अपडेट हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिए, मंडल सृष्टि के नाम से मौजूद हूँ। वेल, आपको बता दूँ कपिल शर्मा का नया शो नेटफ्लिक्स पर कपिल शर्मा आई एम नॉट डन येट हो क्या है रिलीज। वाले यहाँ पर कपिल शर्मा ने अपने जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने कहानियों को शेयर किया है अपनी ऑडियंस से, जहाँ कपिल शर्मा एक ऐसा ही इंसिडेंट शेयर करते नजर आते हैं। वाले कपिल शर्मा कहते हैं कि मेरी कज़न आई थी मेरे घर, जहाँ हम लोग मिलकर ड्रिंक कर रहे थे, और मेरी कज़न ने एक डिमांड कर दिया कि मुझे शाहरुख खान के मन्नत का नज़ारा लेना है, शाहरुख खान के मन्नत को देखना है। वाले इसके बाद फिर क्या था, शाहरुख खान के घर पहुंच गए कपिल शर्मा ड्रिंक किए हुए, और वहां पहुंच कर पहले तो शाहरुख खान को नजर आई गौरी खान को ऐसा लगा कि शाहरुख खान ने कपिल शर्मा को इनवाइट किया है, तो गौरी खान ने कहा कि अंदर है शाहरुख, जाइए मिल लीजिए। वेल, जब शाहरुख खान से मिलने गए कपिल शर्मा, तो कपिल शर्मा ने कहा कि सॉरी भाई, मैं ऐसे ही चला आया, दरवाजा खुला था और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ पार्टी चल रही है, तो मैं चला आया। एक्चुअली मेरी एक कजन सिस्टर की ये ख्वाहिश थी कि वो तेरा मन्नत देखे और मन्नत का नज़ारा ले। तो यहाँ पर शाहरुख खान ने पहले तो कपिल शर्मा को बोला कि क्या मेरे बेडरूम का दरवाज़ा भी खुला रहेगा, तो बिना पूछे तो अंदर आ जाएगा। वह ये सारी चीज़ें मस्ती मजाक में हुई, लेकिन कपिल शर्मा ने ये भी शेयर किया इसके बाद शाहरुख खान के साथ वो कई देर तक वो डांस करते नजर आए। साथ ही साथ शाहरुख खान ने उनको और उनकी कज़न को खाना भी खिलाया। वह इसके बाद शाहरुख खान ने कपिल शर्मा को उनकी गाड़ी तक छोड़ने भी आए। तो कपिल शर्मा का ये एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है अपने नए शो नेटफ्लिक्स पर कपिल शर्मा आई एम नॉट डन येट पर। वाला आपका क्या कुछ कहना है इस पूरी कहानी को लेकर जो कपिल शर्मा ने सुनाया है, वाला आपका क्या कुछ कहना है कपिल शर्मा और शाहरुख खान से जुड़ी इस पूरी कहानी को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।